लेकिन आरती छोटू का वीडियो देखेगा तो देखेगा। क्यों देखना है भाई, क्या फायदा है आपको उसका वीडियो देखने से? चुतिया मत बनो व्यूवर को। बिल्कुल बिल्कुल, तुम लोग जो है ना टीआरपी और व्यूज लेने के लिए जो धरना दे देते हो आरती के यहाँ जाकर दिन रात, और इंसाफ तो मिल गया ना भाई? बिल्कुल मिल। अब कहिएगा कैसे? तो जो भी दोषी था, जो भी आरोपी था, 9 का 9 जो है अभी जेल में है। ये जो बार बार आरती छोटू का रट लगाए हुए हो, जप कर रहे हो बार बार, शर्म नहीं आ रहा है? और कोई काम नहीं है तुम लोग को? नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश और आप देख रहे हैं कोसी तक। दोस्तों वीडियो जो है कुछ दिन से नहीं आ रहा था, कुछ वजह था, इसके लिए माफी चाहते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं अरुण जी हमारे साथ हैं, जो कि इनका भी यूट्यूब चैनल है अरुण जंक्शन, आप जानते होंगे, कई बार ये हमारे साथ वीडियो में आए हैं। आज हम लोग एक अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, जी हाँ, आरती छोटू के मुद्दे पर, जो कि काफी दिनों से चर्चे में है। जैसा कि आप जानते हैं आरती छोटू का जो मामला हुआ था तभी से लेकर अभी तक ये इसका चर्चा जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो बने रहिए वीडियो में आप लास्ट तक, पूरा आज इसका जो है चर्चा करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और आपको एक एक चीज, एक एक हकीकत जो है आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो बिना देर किए हुए हम एक सवाल करेंगे अरुण जी आपसे। बिल्कुल, आखिर क्या कारण है आरती, आखिर कौन सी बड़ी जो है सेलिब्रिटी बन गई है, आखिर क्या उसके अंदर खासियत है, क्या क्वालिटी है जो लोग, सिर्फ लोग कहें तो आज जो है हमारे क्षेत्रीय जो सोशल मीडिया है, जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जो कौन सा भूत सवार हो गया है कि सिर्फ दिन भर जो है आरती छोटू आरती छोटू आरती छोटू जप रहा है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि कई ऐसे जो है मीडिया कर्मी है, लोकल पत्रकार, सोशल मीडिया जो है दिन रात जो है जाकर आरती के यहाँ धरना दे देता है। बिल्कुल बिल्कुल, धरना गिरा देता है जी, कंटेंट लेने के लिए। जी जी जी, क्या वजह है, क्या खासियत है उसमें? जी, इसका यही वजह है कि अभी आरती छोटू के यहाँ जितने भी यूट्यूबर हो या पत्रकार हो, जो भी जाते हैं वहाँ जाके जो है अपना टीआरपी बटोरते हैं और वहाँ का वीडियो बना के जो है कुछ भी ना हो उसका दरवाजा दिखा देता है, घर दिखा देता है, जैसे उसका कोई फोटो लगा के जो है उस पर एक्सप्लेन कर देता है तो उसका जो है वीडियो वायरल चले जाता है, वीडियो चलने लगता है, समझे? तो वही जो है मतलब यूट्यूबर सब वहाँ पे पहुँच के जो है अपना टीआरपी लेने के लिए पहुँचता है। और दूसरी बात ये है कि आरती को भी अच्छा लग रहा है, सेलिब्रिटी वाला फीलिंग आ रहा है उसके अंदर, उसको लग रहा है कि हम कुछ देश के लिए या कुछ अपने राज्य के लिए या अपने जिले के लिए कुछ किए हैं, तो उनको भी फीलिंग आ रहा है कि हम बहुत बड़ा तीर मार दिए। लेकिन जो सच्चाई है, जो बात है, वो आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अच्छा हुआ जो आज आप हमें बुलाए और इसी बात पर आज चर्चा होगी कि इसमें रहस्य क्या है इस बात में। आज दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका है हम लोगों को खुलकर आरती छोटू के ऊपर एक्सप्लेन करने का, एक एक चीज आपको सच्चाई बताने का, क्योंकि व्यूवर जो है, जो भी दर्शक है आरती छोटू का वीडियो देख रहा है, वो मैटर को नहीं समझ रहा। मैटर क्या है कुछ भी उन्हें मालूम नहीं है, लेकिन आरती छोटू का वीडियो देखेगा तो देखेगा। क्यों देखना है भाई, क्या फायदा है आपको उसका वीडियो देखने से? आखिर मैं सवाल करूंगा क्षेत्रीय मीडिया वाले से, जो सोशल मीडिया वाला है, जो हमारे अररिया पूर्णिया सुपौल सहरसा मधेपुरा जो हमारे क्षेत्रीय मीडिया कर्मी है, उससे एक अहम सवाल है। और जो लगातार आरती के घर पे जा रहा है और आरती छोटू का वीडियो दिखा रहा है, चुतिया मत बनो व्यूवर को। बिल्कुल बिल्कुल, तुम लोग जो है ना टीआरपी और व्यूज लेने के लिए जो धरना दे देते हो आरती के यहाँ जाकर दिन रात, और उसके यहाँ जो उसको ठग फुसला कर बहला कर जो तुम लोग वीडियो बना लेते हो बार बार, तुम लोग व्यूवर को तुम लोग चुतिया बना रहे हो। बिल्कुल बना रहे हो, क्या कोई गलत बोल रहे हैं? कोई गलत नहीं है। और अगर आपको उसी का वीडियो बनाना है तो आप लोग एक बार उसके जो है आरती का जो जन्मस्थल और है वहाँ पे जाइए और उसका हालात दिखाइए, उसका हालात क्या है, उस मुद्दा पे बात कीजिए। बात करेंगे हम लोग मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि आप चलिए, जब ये मामला आया था आरती छोटू वाला घटना घटी थी, तो
पत्रकार का क्या काम होता है, मीडिया का क्या काम होता है, इंसाफ दिलाना, सच के साथ हमेशा रहना। जी जी जी। तो ये चीज मैं मान रहा हूँ कि अभी आरती को, छोटू को इंसाफ मिला है तो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया और क्षेत्रीय मीडिया के कारण मिला है। जी जी। लेकिन एक सेकंड यहाँ पे हम रोकेंगे आपको, उसको इंसाफ मिल गया, मिल गया, ऐसा इंसाफ मिला कि अभी पर मंथ उसको यूट्यूब जो है आरती को 1.5 लाख 2 लाख। नहीं, उस पर बात करेंगे, पहले जो मेन मैटर है इंसाफ तो मिल गया ना भाई। बिल्कुल मिल गया। अब कहिएगा कैसे, तो जो भी दोषी था, जो भी आरोपी था, 9 का 9 जो है अभी जेल में है। बिल्कुल। 9 का 9 जो है अभी जेल में है, और अब क्या इंसाफ मिले। अब आप लोग जो जा रहे हैं, अभी जो उसके यहाँ जाते हैं और उसका वीडियो बार बार बनाते हैं और बोलते हैं इंसाफ दिलाओ इंसाफ दिलाओ, अब क्या इंसाफ दिलाएगा भाई। अब तो हो गया इंसाफ, तो मिल गया, वही ना। और आप लोग को कोई काम धाम नहीं है, आप लोग जो है बदनाम कर रहे हो सोशल मीडिया को, समाज में गंदगी फैला रहे हो। ये जो बार बार आरती छोटू का रट लगाए हुए हो, जप कर रहे हो बार बार, शर्म नहीं आ रहा है? और कोई काम नहीं है तुम लोग को हैं? और अब तो ये बता दे रहा हूँ तुम लोग को, ये इंडिविजुअल वीडियो है, किसी का नाम इसमें नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद और कौन कौन जा रहा है, सारा वीडियो हम लोग देखते हैं, बराबर देखते हैं, देखते हैं किस तरह से तुम लोग जाकर धरना गिरा देते हो और रोज रोज का रूटीन बना दिया है वहाँ पे जाके चचा जी, पापा जी, दादा जी, उतना वो अपने बाप को भी नहीं बोलता है, क्या बोले, ऐसे करके 1-2 मिनट का वीडियो बनाता है और वो वीडियो बना के जो है यूट्यूब पे गंदगी फैला। बेशर्म हो तुम लोग, बेशर्म। बिल्कुल। साला बदनाम कर रहे हो तुम लोग सोशल मीडिया को, जो कि एक सच्चाई का आवाज बना हुआ है। अभी जो है योगदान बहुत बड़ा है तो सोशल मीडिया का ही है, कहीं भी छोटी बड़ी घटना घटता है तो सोशल मीडिया का ही योगदान रहता है, जो कि इंसाफ मिल पाता है। और तुम लोग जो ये बदनाम कर रहे हो ना सोशल मीडिया को, गंदगी फैला रहे हो, शर्म करो, शर्म करो। सबसे पहले तो दोष देना चाहूंगा व्यूवर को, और दोष क्यों नहीं दूं। बिल्कुल। और सच्चाई ये है कि आप लोग तो मोबाइल में देखते हो, बैठे बैठे घर में बैठे बैठे देखते हो, हम और अरुण भाई 3-4 बार गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब जो है ना, अब कसम खा लिए हैं कि अब कहीं जाएंगे, हम लोग गए, गए सच्चाई जानने के लिए। क्या सच्चाई है? हाँ। वहाँ का सच्चाई नहीं, वो एक बाजार बना लिया। और वैसा ही रहता ना तो हम लोग शुरू से वीडियो उसका डालते, क्यों नहीं डाल रहे थे, क्यों नहीं डाल रहे थे। और जो कचरा जो फैलने लगा सोशल मीडिया पे, तब हम लोग को लगा कि नहीं, वहां जाकर क्या सच्चाई है, सच्चाई जानना चाहिए और दर्शक को बताना चाहिए। जो दर्शक को ये लोग चंद यूट्यूबर जो है, तब जाकर हम लोग जो है 2-3 बार गए वहां पर और सारा सच्चाई जाने, क्या मैटर है मैटर को जाने। जी जी। और तब आप लोग को सच्चाई बता रहे हैं और आप लोग को ये भी बता दे रहे हैं, अब हम लोग जाएंगे भी नहीं। बिल्कुल नहीं जाएंगे, वहाँ जाएंगे क्योंकि भी वहाँ का नौटंकी सबको दिखा है। अब जो भी यूट्यूबर जाता है, जो भी मीडिया वाला जाता है, सबसे पहली जो है, पहले जो है छोटू का माँ बेहोश हो जाए वहाँ जो है ना, सिर्फ उसके यहाँ बता दे रहे हैं, छोटू के यहाँ जो है सिर्फ नौटंकी चलता है, नौटंकी। अब बेशर्म खाली मीडिया वाला है, जो बेशर्म पत्रकार है, मीडिया वाला है, यूट्यूबर है, वही जा रहा है अभी। बिल्कुल। अच्छा पत्रकार, अच्छा मीडिया वाला कोई वहां नजर नहीं आएगा, कोई नहीं जा रहा। बिल्कुल नहीं जा रहा है। और कौन कौन है उसमें शामिल बेशर्म मीडिया वाला में, वो भी हमको मालूम, हम लोग को अच्छे से मालूम। अरे उसका तो रोजी रोटी, और सबका एक एक करके नाम लाएंगे। अब इस वीडियो, ये वीडियो डालने के बाद अगर नहीं रुकेगा ना उसका बेशर्म, हाँ, करेंगे उसके, उसको उसका वीडियो क्लिप डाल के दिखाएंगे। हाँ। वीडियो क्लिप के साथ आपको दिखाएंगे। दोस्तों अभी इंडिविजुअल आपको जानकारी दे रहे हैं, कौन क्या है, कैसे है, कौन कौन पत्रकार है, सोशल मीडिया है, यूट्यूबर है, जो कि उसके यहाँ बराबर बेशर्म बनकर जा रहा है और बहला फुसला कर पैर हाथ पकड़ कर वीडियो बना रहा है। कभी छोटू के पिताजी का पैर पकड़ रहा है, चाचा जी, अंकल जी, ये है वो है, कभी छोटू के माँ के साथ जो है माता जी, हाँ माता जी, चाची जी, अंकल जी, रिस्पेक्ट दीजिए, सम्मान कर रहे हैं, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ साथ आप व्यूअर को। अरे भाई, इतना भी सोशल मीडिया नहीं गिर गया है कि तुम लोग जो है ना बेशर्मी का हद पार कर गया। आपके तरह इस पे कोई सोशल मीडिया पे, आप समझ रहे हैं, इस पे एक से एक तुर्रम खा रहे हैं।
तुम लोग को पता ही है दोस्तों, सबको पता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बड़े बड़े मीडिया है, वो कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, वो मीडिया दिखावो ना, कोई काम का नहीं रहा है। और रही दूसरी बात, कई बार जी टीवी पे, जी न्यूज पे चला है, कई बार आज तक पे चला है। और जितना भी छोटा बड़ा घटना घट रहा है ना हमारे क्षेत्र में, आप लोग को ये कोई नहीं बताएगा, कोई जानकारी ये नहीं देगा दोस्तों, ये सच्चाई है। सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय मीडिया, सोशल मीडिया का योगदान है कि जो भी छोटी बड़ी घटनाएं घटती है उसको तुरंत संज्ञान में लिया जाता है और उसको इंसाफ मिलता है, उस पे कोई नहीं जाएगा। तो कचरा क्यों कर रहे हो यार, दिन रात आरती, कचरा मत करो। आरती पकड़ा गए, यहाँ आरती तोड़ रही है धनिया, ठीक है, आरती ले रही है प्याज, आरती ले रही है गन्ना। अरुण जी एक चीज कैटेगरी है, चलो ठीक है, तुमको नौटंगी ही करना है, नौटंगी बाज ही बनना है, तो काहे पत्रकारिता को बदनाम कर। बिल्कुल बिल्कुल, तुम नौटंगी करो, इससे वही होता वो भी कैटेगरी है। ईमानदार पत्रकार है जो अपने कुछ करने के लिए चाहता है, सब बदनाम है, मतलब कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तुमको नौटंगी करना है तो तुम कैटेगरी चुन लो, यूट्यूब पे तो 100 कैटेगरी है, जिस तरह का वीडियो डालना चाहोगे डाल सकते हो, तुमको कोई मना नहीं करेगा, लेकिन तुम पत्रकारिता के नाम पर नौटंगी काहे कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब बोले दुर्गेश जी, वीडियो अब लंबा हो रहा है, वीडियो दोस्तों लंबा हो रहा है और हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं, हम लोग को इस तरह का अगर कहीं भी गलत लगेगा तो हम लोग बार बार आके मिलेंगे। और अब हम लोग ये ठान लिए हैं, हम लोगों का ये मुहिम चालू होगा और हाथ जोड़कर जो है निवेदन करते हैं, सभी सम्मानित पत्रकार, पत्रकार से भी और व्यूवर से भी निवेदन, सबसे पहले व्यूवर, आज के बाद से ऐसे चीज को बढ़ावा, आज के बाद से आप लोग आरती छोटू का वीडियो देखना बंद कर दीजिए, एकदम बंद कर दीजिए, क्योंकि उसको इंसाफ मिल चुका है, अब उस मैटर पर छेड़ने का कोई जरूरत नहीं है। पत्रकार अब करेगा क्या, बहुत सारा मैटर है, आपके अगल बगल भी कई ऐसे छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती है, उस पर चर्चा कीजिए, नए नए मैटर को लाइए, नए नए घटनाओं को दिखाने का प्रयास कीजिए। एक ही चीज को अगर आप लोग लेकर सालों साल चलते रहेंगे तो फिर जितने भी ये बेशर्मी पत्रकार के नाम पर जो ये कचरा फैला रहा है ना, सुन लो, कान खुल कर दोनों कान से रुई निकाल दो, और ये वीडियो डालाने के बाद अगर एक भी वीडियो तुम्हारा देख लिए ना, रेलाई चालू होगा, रेलाई होगा, और कैसे होगा तुम लोग समझ लेना, हम लोग डिसाइड करेंगे कैसे। अभी तक हम लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन आज के बाद से आरती के घर पर देख लिए ना, जब भी स्क्रॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका नाम आ जाता है, और खुल कर बता रहे हैं, दो तीन ज्यादा नहीं। देखिए सम्मानित मीडिया जो पत्रकार है वो सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है, उसको वो तुरंत डिसाइड कर लेता है, हाँ, उसको उजागर कीजिए। अभी किसी से हम लोगों को शिकायत नहीं है और कुछ नहीं है इस वीडियो तक, अगर इस वीडियो के बाद नहीं, अभी शिकायत है जो नामचीन दो तीन यूट्यूबर है, अभी जो है मेरा अल्टीमेटम है और इसके बाद हम लोग अपने तरह से जो है इसको ले लेंगे। पहला वीडियो है दोस्तों, हम लोग खुल कर एक्सप्लेन किए हैं आरती छोटू के मैटर पर, आप लोग देखे भी होंगे आरती की दादी जो है उसका क्या हालत है, आरती का जो छोटा भाई है उसका क्या हालत है, कोई नहीं दिखा रहा। अगर ये नाटक नहीं रहता ना दोस्तों तो YouTube पे आरती आके नाटक नहीं, अरे भाई घर में किसी कोना में, अरे बेशर्मो जो धरना गिराता है ना, नहीं और शादी चालू, छोटू के यहाँ जो धरना गिराता है, एक दो बार वहाँ भी चले जाओ, आरती के घर पे चले जाओ, वहाँ का भी देखो, हम लोग किसी का साइड नहीं ले रहे हैं, और समझ गया होगा जो बेशरम है ना, जी जी, उसको समझ में आ गया होगा, ये वीडियो अगर देख रहा है तो अच्छे से समझ गया होगा कि हम ही को बोल रहा जी है जी ये लोग। और दो तीन है मां जी, दो तीन यूट्यूबर है जो पत्रकारिता के नाम पर जो है ना कलंक है, ये कलंक है। चलिए ठीक है, इसके बाद से जी 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 लास्ट पॉइंट बता दे रहे हैं जी, इसके बाद से अगर तुम लोग का वीडियो देख लिए ना तो समझ लो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे ना, तुमको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और करेंगे, ये सिर्फ बोल कर नहीं चुप रहे। वही ना सला, एक तो ट्रेंडिंग चल रहा है, मेरा बाबू ने खाना खाया, अब क्या यूट्यूब पे ट्रेंडिंग, क्या है सला, मेरा आरती खाना खाया, आरती धनिया क्या है भाई, सेलिब्रिटी है, बोलने का तो ढंग ही नहीं है, बोलने का ढंग है जो चाटुकारिता करने जाता है ना, पैर हाथ पकड़ने आरती या मनु का, सवाल का जवाब दो, क्या फायदा है समाज को तुम्हारा वीडियो दिखाने से, समाज को क्या फायदा है, क्या जानकारी मिलती है, वही ना, क्या सीख मिलती अपने है, अपने बारे में हमेशा ये सोचो कि हमने समाज को दिया क्या,
अरे ही आरती का, आरती खाना खाया वही ये किया, चल निकालिए बाद में झूला बांध लो ना, लटका लो गले में आरती या मनु का छोटू का लिख के लटका लो गला में साला। तुम कहो पत्रकार के नाम पे आईडी कार्ड के जगह पे आरती मनु छोटू सबका नाम लिख दो, गले में लटका के फिरते फिरो। लिखो कि मैं पर्सनल उसका ही रिपोर्टर, उसी का चाटुकार है, सबको पता चल जाएगा। तो तुम एकता मंडली में शामिल हो जाओ। दोस्तों यही था हम लोगों का वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए वीडियो कैसा, हम लोगों का जो है क्या राय, आपको सही लगा या गलत लगा, जो हम लोग चर्चा किए ये सही है या गलत है, आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। और जरूर वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे थे कोसी तक, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।